आज के ट्यूटोरियल में हम आपको मैक्रो के बारे में बताने जा रहे हैं कि कोरलडा में हम मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। चलिए हम उसका एक प्रैक्टिकल यूज जो आपको यूज में आएगा उसको करते हैं। जैसे हम 12-18 की सीट पर जब कोई विजिटिंग कार्ड बनाना होता है हम उसको सेट करते हैं, एक सीट पे 25-30 विजिटिंग कार्ड सेट करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग होती है और वो सेपरेट होकर विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हम एक 12-18 की सीट लेते हैं और उस पर हम अपने विजिटिंग कार्ड को सेट करते हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हम पुनः चाहते हैं इसमें मैक्रो में स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और वहाँ पर हम दे देते हैं VC1 नाम दे देते हैं और इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमने ओके कर दिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक 12-18 का रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बन गया। अब हम विजिटिंग कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे टॉप कर देते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट मेनू में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कमांड पे पोजीशन पे जाते हैं और यहाँ पर हम राइट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ कॉपी 1, ये हमारा सेट हो गया। अब हम बॉटम लोअर सेंटर सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं 12-18 में पूरा हमारा विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम टूल्स मेनू में जाते हैं और उस मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। ये पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, जो भी स्टेप हमने इसमें किया वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई। अब हम पेज 3 पे जाते हैं, यहाँ भी हमारा 12-18 का ये पेज है। अब हम जाके इस दूसरे विजिटिंग कार्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और टूल्स मेनू में जाते हैं और मैक्रो ऑप्शन में जाके रन मैक्रो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैक्रो इन ऑल स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। हमारा रिकॉर्ड मैक्रो का नेम था VC1, उसे हम सिलेक्ट करते हैं और रन पे क्लिक कर देते हैं। पूरा विजिटिंग कार्ड 12-18 में सेट हो गया। इस तरह हम कोरलडा में मैक्रो का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेप को वन क्लिक के द्वारा काम कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी मिली आपको, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा अपडेट्स लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।